आर चैनल ग्रोवर्स हियर और हम आ गए हैं फिर से एक व्लॉग के साथ। और मम्मी देखो छिपकली की तरह दीवार से चिपकी हुई है। अभी तक आपने जो देखा वो ये था कि मैं आ रही थी, मैं रास्ते में थी और अभी जस्ट मैं घर पहुंची हूँ। आज हम एक बहुत स्पेशल ओकेजन के लिए, बहुत एक स्पेशल पार्टी के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। तो अभी तो मतलब सुबह ही हो रही है, रात में कुछ है और अभी देखना आप कितने लोग आने वाले हैं। बहुत कुछ होने वाला है पूरे दिन में, तो मतलब फुल फन पैक डे होने वाला है। मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो आ गया है, वो मेरी गुड्डू बेरी आ गई है। अभी तो मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करूंगी पहले, क्योंकि मैं सुबह 7 बजे की चली हुई हूँ और मैं अब पहुंची हूँ। तो पहले मैं ब्रेकफास्ट करूंगी, उसके बाद अब हम देखते हैं हमें क्या क्या तैयारियां करनी है। और अभी घर में और कुछ दिख नहीं रहा, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। ये मम्मी अपनी प्यारी और स्पेशल बेटी के लिए। मैं स्पेशल हूँ ना? बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। वाह, मेरा फेवरेट नाश्ता इज दिस। और ये अचार डाला है ना मिर्च का। ओ भाई साहब, मम्मी को देख के लगता है कि अचार डालती होंगी। अच्छा, मैंने हलवा ही बनाया, आ जा दिखा। हलवा भी बनाया है? ओ माय गॉड, ये मैंने बनाया खुद भाई साहब। और ये एक्चुअल में बहुत टेस्टी होता है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ बना दिया हो। ये हमारी धन्ना सेठ मम्मी, सेठानी बन के। और ये मेरे क्यूटी पापा। हाय पापा। हम अपना नया घर देखने जा रहे हैं। और ये दोनों कहाँ गई? दूसरी कामचोर कहाँ चली गई? अच्छा, वो अंदर कहीं सफाई कर रही है। और ये राजश्री डांस की प्रैक्टिस करवा रही है अपने पापा को और मुझे। हमारी डांस परफॉर्मेंस होने वाली है आज रात को। जब हमारी कोरियोग्राफर घर आती है उसके बाद हमारी प्लानिंग शुरू होती है, ठीक है? उसके बाद ये स्टेप ऊपर, ये हाथ ऊपर, 5, 6, 7, 8। तो ये हो रही है डायमंड प्ले बटन की मुंह दिखाई। नाना के हाथ में पकड़ाओ इसको, उठा के देखो। ओह हाय, ये नाना के, माधव के पापा हैं, बड़े पापा। तो गाइस अभी हम बहुत थक चुके हैं क्योंकि डांस की प्रैक्टिस, एक वीडियो बनानी थी, उसकी तैयारी। अब मुझे बहुत देर बाद, जब सब लोग लंच कर चुके हैं तो खाना मिल रहा है। और अभी मम्मी भी बहुत थक चुके हैं क्योंकि लगातार तब से 4 घंटे से तो शायद मम्मी रोटियां ही बना रही हैं, क्योंकि कोई कोई हर थोड़ी देर में आ रहा है, सबको गर्म गर्म खाना खिला रही है। मेरी मम्मी इतनी प्यारी है देखो, अब मेरे को भी फ्रेश रोटी बना के दे रही है, ये नहीं कि रखी हुई खा ले। और ये अपने अपने कपड़े लेके, ये काफिला चल चुका है, तैयार होने जा रहे हैं, बल्कि बंदर बनने जा रहे हैं, बंदर बनने। आगे घर वाले डांटेंगे। And the kiosk, everybody is semi-ready and we are ready to go. So guys, हम लोग रेडी हो चुके हैं और मम्मी और पापा जा भी चुके हैं, माधव और मैं बचे हैं घर में क्योंकि इसकी एंट्री थोड़ा लेट है। तो
तो बस अब चल रहा है। आज इसको बिल्कुल मेन कैरेक्टर वाइब मिलने वाली है। वहाँ पे मैं आपको वहाँ का डिकोर दिखाऊंगी, वहाँ पे थीम्ड है सब कुछ। जैसे कि आपको पता चल भी चुका होगा कि हमारी थीम ब्लैक है, एज यू आर ऑल ड्रेस्ड इन ब्लैक, सो हमारी थीम ब्लैक है एंड डायमंड बटन होगा हमारे हाथ में, तो हम बहुत ही अच्छे चमकने वाले हैं। और वहाँ की मैं आपको डेकोर दिखाऊंगी ना, तो आप पागल होने वाले, बिल्कुल पागल। ठीक है, वैसे मैंने अभी तक बताया नहीं था इन्हें कि किस चीज़ की पार्टी है, तो आज इसके डायमंड प्ले बटन की पार्टी है। एंड बहुत बढ़िया पार्टी करी है हमने ऑर्गेनाइज, क्योंकि वो डायमंड प्ले बटन का न्यू ईयर टाइप की पार्टी है। तो बस हम चल रहे हैं अभी, फिर मैं आपको वहाँ पर दिखाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड। गाइज, आपने जैसा कि देखा हम लोगों ने कितने मजे करे कल, और हम लोग रात में लगभग 4-4:30 बजे आए थे और 5 बजे के आसपास हम लोग सोए। तो अभी सुबह से सबका जाने जाने का एपिसोड चल रहा है और मेरा भी जाने का टाइम आ चुका है। और इसने मुझे कहा मेरा पेट ठीक नहीं, मुझे थोड़ी सी खिचड़ी बना दो, और वो खिचड़ी मैं खाऊंगी और मैं इसके लिए स्टफ पराठे बना रही हूँ। ये नहीं बताना होता। लेकिन हाँ, मेरा जाने का टाइम आ गया और मैं बहुत रोती पिटती हूँ जब मेरे को घर से जाना होता है, तो वही वाला अभी फेस चल रहा है। अब ये तो देख रहा है इसका। बाय बाय। और लोगों से भी मिला देती हूँ। कहाँ है सब? नाना, बाय नाना। बाय। बाय केशव। मोय मोय। बाय मौसा जी। बाय बाय। मेरा क्यूटी करनू, बाय करनू। ये हमारा भतीजा है गाइस, अगर आपको लीजर ना बताया हो व्लॉग में। देखो कितना क्यूट है। ये मेरी भाभी है, इन्हीं का प्रोडक्ट है। इन्हीं का प्रोडक्ट है, और दूसरे एक और प्रोडक्ट, एक और बंदा है जिसका प्रोडक्ट है। मिलवा चुकी हूँ चिंटू भैया। तो चलते हैं वापस अपनी घिसी पिटी जिंदगी में अपने दो पराठे लेके, और मिलेंगे दोबारा एक नए व्लॉग के साथ जब भी टाइम मिलेगा। जैसे भी अच्छा कोई इवेंट मिलेगा जरूर आएगा एक नया व्लॉग। सो आपको आई होप ये व्लॉग पसंद आया होगा, क्योंकि हमने तो इस पार्टी में बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करा। आई होप हम आप तक वो अपने मज़े पहुँचा पाए होंगे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको व्लॉग पसंद आया ही होगा जब आप यहाँ तक आ गए हो, यही कहती है ना। वो रह गया था बीच में, सही कहा मैंने, वो रह गया था। सो स्टे ट्यून्ड, बाय।